हेलो दोस्तों, आपका योगेश एकेडमी में स्वागत है। जैसे आपने लास्ट टाइम इंजीनियरिंग कॉलेज के रिव्यूज़ वाले वीडियो पे प्यार दिखाया, सेम उसी तरह इन वीडियो को भी प्यार देना। आज से आपको इस चैनल पे इंजीनियरिंग ड्राइंग के रेगुलर लेक्चर वीडियो मिलते रहेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पहले हम जान लेते हैं बेसिक्स ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग, बेसिक्स क्या है। उससे पहले हम जान लेते हैं हमको इंस्ट्रूमेंट क्या क्या ज़रूरत है। अभी तो लॉकडाउन है तो मतलब ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत नहीं है, ऑनलाइन के लिए इतने इंस्ट्रूमेंट काफ़ी है। तो पहले देख लेते हैं रोलर स्केल। रोलर स्केल क्या होता है? बहुत सारे कॉलेज में इसको रोल एंड ड्रॉ करके नाम से भी जानते हैं। ये देखो, ये ऐसा दिखता है। ये हमें कितना 30 सेंटीमीटर का अच्छी है। फिर सेकेंड का है क्लच पेंसिल, जो कि 0.5 mm की है। क्लच पेंसिल 0.5 mm की, ये देखो। फिर उसका A3 साइज ड्राइंग बुक, ये तो आपको पता ही होगा। फिर कंपास, राउंडर, नॉर्मल राउंडर, ये भी पता रहेगा। सेट स्क्वायर, बिग साइज का तो अभी पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन हम उतना यूज़ भी नहीं होता है, नॉर्मल रहता है ये, इसको बोलते हैं सेट स्क्वायर। इरेजर, ये तो पता ही रहेगा। फ्रेंच करो, ये देखो, आप देखा होगा बहुत लोगों ने ऐसा, इसको बोलते फिर फ्रेंच कर। जो करो राउंडर से नहीं बन पाते ना, वो फ्रेंच कर से बनाते हैं। इलिप्स के जितने कर हुए इससे बनाते हैं। अभी सीट कंटेनर, ये देखो, ये सीट कंटेनर है, वो आपने बहुत जगह पे देखा होगा। इसमें सीट हम राउंड करके रख सकते हैं आराम से। फिर क्या, प्रोटेक्टर, ये तो आप जानते हैं, जिसको हम लोग डी बोलते हैं या हिंदी में हम चांदा बोलते हैं। ये देखो, एंगल लेने का काम आता है। ये इतने इंस्ट्रूमेंट तो अभी हमको मतलब ज़रूरत है, ऑनलाइन में मतलब इतना काफ़ी है इंजीनियर ड्राइंग के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम देखते हैं पहला टाइप्स ऑफ लाइन और उनके एप्लीकेशन। तो फर्स्ट लाइन है कंटिन्यूस थिक लाइन, ये जो हम नॉर्मली बनाते रहते हैं। इसकी जो थिकनेस है वो 0.5 mm है, और इसका यूज़ हम कहाँ करते हैं? कोई भी ऑब्जेक्ट की बाउंड्री बनाने के लिए, या फिर आउटलाइन बनाने के लिए, या मार्जिन लाइन बनाने के लिए इसका यूज़ करते हैं। इसका थिकनेस 0.5 रहता है। जो हम नॉर्मल बनाते हैं ना, थोड़ा डार्क रहता है, डार्क लाइन। फिर आता है कंटिन्यूस थिन लाइन, ये एक एकदम हल्की लाइन रहती है, जिसकी थिकनेस 0.2 है। जैसे देख लो, जो पहला कंटिन्यूस थिक लाइन 0.5 mm, ये हमारी एच बी पेंसिल से ही बन जाता है। और फिर ये कंटिन्यूस जो थिन है, ये हमारा एच पेंसिल, 2H पेंसिल, ये सबसे बनता है। और इसका एप्लीकेशन क्या है? ये मतलब डायमेंशन, कोई भी ऑब्जेक्ट हम बनाते हैं तो उसका जो डायमेंशन देते हैं ना, उसके लिए इसका यूज़ होता है। इसको हम डायमेंशन लाइन भी बोलते हैं, डायमेंशन लाइन। ये पहला आउटलाइन या मार्जिन लाइन भी इसको बोलते हैं। इसको हम डायमेंशन लाइन भी बोलते हैं, या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट को हम एक्सटेंशन लाइन भी इसको बोलते हैं। जो प्रोजेक्शन हम बनाते हैं ना, वो आगे हम देखेंगे आगे के लेक्चर में हम देखेंगे एक्सटेंशन लाइन। और हैचिंग लाइन ये हम सेक्शनल पार्ट जब स्टार्ट करेंगे उसमें देखेंगे हैचिंग लाइन क्या होती है। फिर अभी आता है डैश मीडियम लाइन, ये क्या हमको, इसको डॉटेड लाइन भी बोलते हैं, डॉटेड लाइन, या फिर इसको हम हिडन लाइन भी बोलते हैं, हिडन लाइन। ये हम मतलब जो पार्ट हिडन रहता है, वो हिडन पार्ट दिखाने के लिए ये लाइन का इस्तेमाल करते हैं, ये लाइन। जैसे हम अभी कोई भी ऑब्जेक्ट देखेंगे ना, तो उसको जो हिडन पार्ट रहेगा उसको शो करेंगे, तो ये लाइन का इस्तेमाल करेंगे। अभी चैन तीन लाइन, हमारा सेंटर लाइन है, सेंटर लाइन, या इसको हम लाइन ऑफ सिमेट्री भी बोलते हैं, लाइन ऑफ सिमेट्री, या लोकस लाइन भी बोलते हैं। कोई भी अगर सर्कल वर्कल रहेगा, सर्कल आर्क भी रहेगा, उसका जो सेंटर सर्कल पार्ट दिखाने के लिए ना, ये लाइन का इस्तेमाल करते हैं। फिर ये लॉन्ग चैन थिन एंड थिक, एंड में ओनली रहता है। तो सेम चैन लाइन की तरह जैसी रहती है, सेम
बस इसके एंड में क्या रहता है, ये थोड़ा डार्क रहता है, एंड में थोड़ी डार्क रहती है, बस एंड में डार्क रहती है बस। तो एंड की जो थिकनेस है 0.5 mm रहती है, और ये मिडल 0.2 mm का। इसका इस्तेमाल हम कहाँ पे करते हैं, इसका यूज़ कोई कटिंग प्लेन के लिए, कटिंग प्लेन के लिए, कटिंग प्लेन, इसको हम कटिंग प्लेन लाइन भी बोलते हैं। तो पहला ये है, इसको हम आउटलाइन या मार्जिन लाइन ये भी बोल सकते हैं, जो डार्क रहती है 0.5 mm से हम बनाते हैं, इसकी थिकनेस रहती है जो हम नॉर्मल बनाते हैं वो। तो ये थोड़ी लाइट रहती है, लाइट लाइन रहती है, इसको हम डायमेंशन लाइन या एक्सटेंशन लाइन या एचिंग लाइन बनाते टाइम इसको यूज़ करते हैं। फिर अभी डैश लाइन, इसको डॉटेड लाइन भी बोलते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट का हिडन पार्ट दिखाने के लिए ये लाइन का यूज़ होता है, इसलिए इसको हिडन लाइन भी बोलते हैं। अभी चैन लाइन है, सेंटर लाइन है, हर बीच में देखो थोड़ा थोड़ा गैप दिया है, ये डॉट डॉट दिया है, ये मेन। हमें तो यही 5 लाइन अभी आगे यूज़ होने वाली हैं। टाइप्स तो ऐसे बहुत सारे लाइन के हैं, लेकिन ये 5 मेन हैं जो हमें आगे यूज़ होने वाले हैं। अभी इसका प्रॉपर एप्लीकेशन तो आपको अभी पता नहीं चला रहेगा, लेकिन आगे के अगर लेक्चर आगे देखोगे तो आगे हम डायग्राम के बीच में अगर ये सब लाइन यूज़ करेंगे तो आपको प्रॉपर एप्लीकेशन पता चल जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब करो।